हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट एड, इंग्लिश बुक, गुजरात बोर्ड, ग्रेड 11 से। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ही और शी इज टेकन टू द हॉस्पिटल। फर्स्ट एड जो है एक ऐसी मेडिकल हेल्प है, यानी कि एक ऐसी मदद है जो आप फौरन चिकित्सक मदद कह सकते हैं। जहाँ कोई इंसान को चोट लगती है, अब कोई एकदम से चोट लगी है, आपके पास कोई है नहीं आसपास कि आप डॉक्टर के पास ले जावे, तो सबसे पहले जो आप उसको मदद दे सकते हैं वो कहलाती है फर्स्ट एड, जिससे एटलीस्ट उसको इतनी हेल्प हो जाए कि वो हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके। फर्स्ट एड हेल्प्स टू मेक श्योर दैट द इंजर्ड पर्सन इज सेफ एंड कम्फर्टेबल टिल अ डॉक्टर कैन हेल्प। फर्स्ट एड का मतलब हुआ कि मदद इस तरह की हो कि वो जो घायल इंसान है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, एक ईज पर हो, ताकि उसको डॉक्टर के पास हेल्प के लिए ले जा सके। इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स द फर्स्ट एड गिवन ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर हैज सेव्ड मेनी लाइव्स। अगर बाय चांस कोई ऐसा होता है कि बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें अगर शुरू के एक घंटे में ही कोई जल्दी से उसको थोड़ी सी मदद दे दे, उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दे, घाव रोक दे, जिससे खून बंद, घाव जो खून होता है वो बहना बंद हो जाए, तो उससे क्या होता है कई लोगों की जान बच सकती है, और ऐसे कई लोगों की जान बचाई भी गई है। डिफरेंट इंजुरीज हैव टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली। अलग अलग तरह की जो चोटें लगती हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है, उनका जो इलाज है, वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। बिफोर गिविंग फर्स्ट एड वॉश योर हैंड्स वेल विद सोप एंड वाटर। फर्स्ट एड देने से पहले अपने हाथों को जो है अच्छे से साबुन और पानी से धो ले। दिस इज डन टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द वुंड्स। इससे क्या होता है कि जो जर्म्स हैं वो घाव में एंटर नहीं कर पाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ज्यादातर आपकी जो गाड़ी होती है, स्कूटर्स होते हैं, जिनमें भी जो भी आप कहीं जाते हैं, बसेस होती हैं, उन सब में जो है एक फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, ताकि अगर कहीं कोई जरूरत पड़े तो इमीडिएट हेल्प दी जा सके। अब बात करते हैं इसी तरीके की कुछ इंजरीज की। पहले आता है बर्न्स। बर्न्स यानी जल जाना। बर्न्स आर कॉज्ड बाय फायर, बॉइलिंग वाटर, स्टीम, फायर क्रैकर्स, सम केमिकल्स और हॉट ऑब्जेक्ट्स। ये जो जल जाती है हमारी स्किन, ये किस वजह से जलती है? आग लगने की वजह से, गर्म पानी गिर जाने की वजह से, भाप से, या पटाखा फूटने की वजह से, या फिर कोई केमिकल या गर्म ऑब्जेक्ट जो है अगर हमारी स्किन से टच कर जाए तो हमारी स्किन जल जाती है। बर्न्स कैन बी वेरी पेनफुल एंड कॉज लॉट ऑफ डैमेज इफ दे आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। ये जो जल जाती है हमारी स्किन, ये काफी दर्द करती है, और रिजल्ट क्या होता है कि अगर इसका सही से इलाज नहीं किया तो हमारी स्किन को काफी नुकसान हो सकता है। अब इसके लिए हमें एकदम से फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए? फर्स्ट रिमूव क्लोथिंग विच कवर्स द बर्न स्किन। अगर जो जहां जला है, सबसे पहले तो वहां से जो अगर कपड़ा आ रहा है उसके ऊपर, तो उसे हटाओ। देन पोर कोल्ड वाटर ऑन दैट एरिया फॉर सेवरल मिनट्स। काफी देर तक जो है उसके ऊपर ठंडा पानी डालते रहो। सोकिंग द बर्न पार्ट इन कूल वाटर फॉर 20 to 30 मिनट्स विल हेल्प रिलीव पेन। अगर आप जिस जगह जल गया है उसे ठंडे पानी में लगभग 20 से 30 मिनट डाले रखोगे, हाथ को या पैर को, जो भी जगह जली है, तो उससे दर्द से काफी आपको राहत मिलेगी। एनेस्थेटिक स्किन स्प्रेस एंड क्रीम्स में कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन। हो सकता है ये जो स्किन स्प्रेज आती हैं या क्रीम्स आती हैं, इससे क्या हो सकता है कि आपको हो सकता है स्किन पे सूट ना करती हो, तो रिएक्ट भी कर सकती है, एलर्जी भी हो सकती है। तो इसलिए इफ देयर आर नो ओपन ब्लिस्टर्स apply antibiotic treatment and cover it with a dry bandage. अगर by chance आपको लगता है कि कोई भी blisters खुले नहीं है, blisters यानी छाले जो होते हैं, जलने पर जो छाला पड़ जाता है skin पे, अगर वो छाला open नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी antibiotic जो treatment वाली cream होती है, या उसको जो antibiotic treatment है उसको लेके उसको हल्के सूखे bandage से cover कर दें। Do not use butter, घी, petroleum jelly और ice. ऐसे में butter, घी, पेट्रोलियम जेली या आइस का इस्तेमाल ना करें। इन केस ऑफ वेरी सीवियर बर्न्स टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। अगर ऐसा लगता है कि बर्न काफी सीवियर है, काफी मेजर है, बहुत ज्यादा जल गए हैं, तो सीधे पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। गिव द पेशेंट अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, और पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए दें। दूसरा है कट्स एंड ब्रूजेस। कट्स यानी अगर बाई चांस आपके कहीं स्क्रैच आ जाए, आपकी स्किन में जो वुंड होता है वो बन जाए, या फिर आपके जो है नीला पड़ जाए। कई बार होता है कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से नीला पड़ जाता है। इन द केस ऑफ स्मॉल कट्स
Wash the wound well with an antiseptic soap and plenty of clean lukewarm water. अगर by chance cut जो है छोटा है तो आप जो घाव है उसको पहले अच्छे से धो लो सोप से यानी जो साबुन है उसे अच्छे से धो लो और उसके ऊपर जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है बहुत ठंडा नहीं बहुत गर्म नहीं बिल्कुल सादा पानी उसको उसके ऊपर काफी देर तक डालो ड्राई द वुंड विद अ स्वैब ऑफ कॉटन फिर रुई लो और उसके रुई से जो है उस जो वुंड है उसको साफ करो यानी कि उसको पोंछ लो सुखा लो इफ द ब्लीडिंग कंटिन्यूज प्रेस अ थिक पैड ऑफ गौज covered with cotton on the wound till it stops bleeding. अगर by chance खून रुकना बंद नहीं हो रहा है तो क्या करो एक मोटा सा गौज लो यानी कि जो रुई होती है जो उसके ऊपर बैंडेज लगी होती है तो उसको जो है wound के ऊपर रख दो जब तक कि वो जो है खून रुकना बंद नहीं हो जाता. Apply an antiseptic cream and cover the wound with cotton. Use bandage if the cut is big. अगर by chance वुंड में से जो ब्लीड निकल रही है या जो खून निकल रहा है वो अगर बंद हो जाता है तो उसके ऊपर एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ उसको जो है कॉटन से कवर कर दो अगर जरूरी हो कट बड़ा हो तो बैंडेज भी लगा सकते हैं चेंज इट डेली और उसको डेली चेंज भी करते रहो डू नॉट कीप द वुंड ओपन घाव को कभी खुला मत छोड़ो इफ द कट इज डीप क्लीन इट विद सोप एंड वाटर अगर घाव थोड़ा गहरा है तो उसको जो है सोप और पानी से साफ करो Press a pad of gauze covered with cotton or cloth to the wound. और उसके ऊपर भी जैसे पट्टी बांधते हैं ऐसी एक मोटी कॉटन या जो क्लॉथ है उससे जो है पट्टी को बांध दो If the wound is on the hand or leg and continues to bleed, take a white piece of cloth or handkerchief. अगर वुंड जो है यानी जो घाव है आपके हाथ पे है या पैर पे है और उसमें से कंटिन्यूस खून निकल रहा है तो आप एक चौड़ा सा कपड़े का टुकड़ा लो या फिर रुमाल ले लो Tie the cloth tightly a little above the wound. और जो कपड़ा है उसे घाव से थोड़ा सा ऊपर कस के बांधो दिस इज कॉल्ड अ ट्रॉन्केट इसको बोलते हैं ट्रॉन्केट यानी कि मेक श्योर इट इज नॉट टू टाइट एज दिस कैन कॉज इंजरी ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा कस के नहीं बांधो इससे और नुकसान हो सकता है यू शुड बी एबल टू स्लाइड अ फिंगर अंडर इट इतना हो कि आपकी जो फिंगर है वो आसानी से स्लाइड हो सके टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली फौरन डॉक्टर के पास पेशेंट को ले जाओ द डॉक्टर माइट डिसाइड टू गिव एन इंजेक्शन टू प्रिवेंट अ डिजीज कॉल्ड टिटनस अब डॉक्टर जो है ये डिसाइड करेगा कि उसे इंजेक्शन देना है ताकि ये जो टिटनस है इसकी बीमारी उसको ना हो फ्रैक्चर्स सम एक्सीडेंट्स कैन रिजल्ट इन अ ब्रोकन बोन कई बार एक्सीडेंट ऐसा भी होता है जिसमें हड्डी टूट जाती है दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर एंड इज वेरी पेनफुल इसे हम फ्रैक्चर कहते हैं और ये बहुत ज्यादा दर्द करता है डू नॉट मूव द इंजर्ड लिम जो अगर आपकी बाई चांस जो बोन टूट गई उसे हिलाओ डुलाओ मत प्लेस एन आइस पैक ऑन द इंजर्ड पार्ट टू ब्रिंग डाउन द स्वेलिंग बस जहां पर आपकी जो बोन पे क्रैक आया है वहां पर एक आइस का पैक रख दो ताकि जो स्वेलिंग है वो कम हो सके डू नॉट लेट द पेशेंट मूव द ब्रोकन आर्म और लेग कोशिश करो कि जो पेशेंट है जिसके ये फ्रैक्चर हुआ है वो अपना ये जो टूटा हुआ आर्म है या लेग है इसे जरा सा भी ना हिलाए यूज स्प्लिंट्स टू मेक श्योर दैट द ब्रोकन बोन डज नॉट शिफ्ट स्प्लिंट का मतलब होता है एक ऐसा बैंडेज जो आपका जहां चोट लगी है उसको सपोर्ट करे और आपको उसको मूवमेंट से मदद करे तो वो जो है आप उसको लगा दो ताकि वो अपनी जरा सी भी जो जगह है उसे वहां से ना हिला सके यानी उसका जो प्रॉब्लम हुई है वो एज इट इज रहे और उसकी बोन इधर उधर ना मूव करे यूज अ स्लिंग मेड ऑफ क्लॉथ टू प्रिवेंट मूवमेंट इसलिए ऐसे में कपड़े का एक जिसे कहते हैं ना झूला टाइप का बना लो और उसको उसी तरीके से उसी पोजीशन में रहने दो ताकि उसका जो मूवमेंट है वो ना हो टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डॉक्टर के पास पेशेंट को ले जाओ अब है स्प्रेन्स समटाइम्स जॉइंट्स लाइक द एंकल और द रिस्ट गेट ट्विस्टेड कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो एंकल का पोर्शन है या रिस्ट का पोर्शन है इसमें एकदम से कलाई मुड़ जाती है या नीचे से एड़ी मुड़ जाती है द जॉइंट स्वेल अप एंड इज वेरी पेनफुल ये जो जॉइंट्स हैं इनमें स्वेलिंग आ जाती है और काफी दर्द करते हैं दिस इज कॉल्ड अ स्प्रेन इसे हम स्प्रेन कहते हैं व्हेन अ जॉइंट इज स्प्रेन यूज आइस पैक्स टू डिक्रीज द स्वेलिंग जब भी कभी जॉइंट में स्प्रेन हो इस तरह से मोच आ जाए तो आइस पैक का इस्तेमाल करें स्वेलिंग को कम करने के लिए Do not let the joint be moved. कोशिश करें कि जो joint है वो हिले डुले नहीं. Ask an adult to apply a kind of bandage that will support the joint and prevent movement. अपने बड़े से किसी से मदद ले सकते हैं कि वह किस तरह का बैंडेज बांधे जिससे आपके joint को support मिले और movement कम से कम हो. You can use splints to make sure that the joint does not move.
आप स्प्लिंट्स का भी सहारा ले सकते हैं कि जो जॉइंट है वो जरा सा भी ना हिले। टाई द स्प्लिंट्स अबव एंड बिलो द जॉइंट, और इसके लिए जो स्प्लिंट्स हैं उनको पैरों के ऊपर और नीचे की तरफ, जहां जॉइंट है वहां उसके ऊपर और नीचे की तरफ आप बांध सकते हैं। फिर आता है बाइट्स। द बाइट्स ऑफ एनिमल्स कैन समटाइम्स बी डेंजरस, अगर बाई चांस कोई जानवर काट ले तो वो काफी नुकसानदेह हो सकता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ जर्म्स दैट लिव्स इन द माउथ्स ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स, जैसे कि डॉग होते हैं, कैट्स होते हैं, इनके मुंह में कई तरीके के जर्म्स होते हैं। द बाइट्स ऑफ दीज एनिमल्स कैन लेड टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक रैबीज, तो इसी वजह से अगर इस तरह के जानवर कोई काट ले तो रैबीज होने का खतरा होता है। वॉश द वुंड वेल विद द सोप एंड वाटर, सबसे पहले तो घाव को सोप और वाटर से साफ करें। Take the patient to the doctor immediately. A foreign doctor के पास patient को ले जाएं. The doctor will give some injections to prevent rabies. और doctor जो है आपको कुछ injections लगाएंगे जिससे कि rabies ना फैले. Most of the snakes in Gujarat are non-poisonous. ज्यादातर जो सांप हैं गुजरात में वो non-poisonous हैं. In case of the venomous snake bite, do not allow the victim to move as this will speed up the spread of venom through the body. By chance अगर आपको कोई जहरीला सांप काट लेता है तो कोशिश करें कि जो विक्टिम है यानी जिसको सांप ने काटा है वो हिले डुले नहीं, उससे क्या होगा जो जहर है वो तेजी से बॉडी में फैल जाएगा। लेट द पेशेंट लाई डाउन इन सच अ वे दैट द बिटन पार्ट इज वेल बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, पेशेंट को इस तरीके से लिटाया जाए कि जहाँ पे उसको सांप ने काटा है वो एटलीस्ट उसके हार्ट के नीचे रहे, मतलब हार्ट की पोजिशन से उसके नीचे ही रहे, ऊपर की तरफ ना आए। टाई अ बेल्ट और अ क्लॉथ स्ट्रिप जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द वेनम फ्रॉम स्प्रेडिंग, एक कोई बेल्ट ले लो या क्लॉथ की स्ट्रिप ले लो, टॉर्निकवेट जिसे बोलते हैं, और उसको जो है जहां काटा है उसके बिल्कुल ऊपर बांधो ताकि जहर वहां से ऊपर ना फैले। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और फौरन जो है पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाओ। अब आता है नोज ब्लीड्स, नाक से खून आना। अ नोज ब्लीड कैन अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंट, इरिटेशन और ड्राइनेस ऑफ द लाइनिंग ऑफ द नोज, एलर्जी, कोल्ड, हीट और समथिंग स्टक इन द नोज। कई बार जो हमारी नाक से खून आता है उसकी वजह जो है चाहे कोई एक्सीडेंट हो सकती है, चाहे नाक में इचिंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, एलर्जी हो सकती है ठंड की वजह से, गर्मी की वजह से, या फिर कुछ नाक में फंस गया हो। आस्क द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड स्लाइटली एंड ब्रेथ थ्रू द माउथ, को जो पेशेंट है उसको बोलो थोड़ा आगे की तरफ झुके और मुंह से सांस ले। पिंच द नोज बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर फॉर अबाउट 10 मिनट्स और अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स, अब जो अपना थंब है और जो अपनी फिंगर है आगे की जो फोर फिंगर होती है उसकी मदद से नाक को दबाओ 10 मिनट तक ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। पुट एन आइस क्यूब और एन आइस कैंडी इन द माउथ, एक आइस क्यूब यानी जो बर्फ है या कोई बर्फ जैसी ठंडी कैंडी जो है उसको मुंह में डाल दो। द कोल्ड विल स्लो ब्लड फ्लो टू द नोज, अब इस ठंडक की वजह से जो मुंह में आप आइस या कैंडी खाओगे उसकी वजह से जो नाक से खून बह रहा है वो कम होने लगे। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट एड, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।